हेलो वेलकम गाइस। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं पूना से, ऑलमोस्ट अहमदनगर पहुंच चुके हैं। अहमदनगर पहुंच चुके हैं ना, अहमदनगर पहुंच चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं एमपी, इनके नानी के घर। नानी के घर जा रहे हैं ना, इनको छोड़ के मैं वापस चला आऊँगा पूना। अभी अहमदनगर आने वाला है और अभी काफ़ी टाइम है, 1000 किलोमीटर है। सो दोपहर हो जाएगी। अब पता नहीं रास्ता कैसा है, मैं जब आया था तो रास्ता अच्छा था, अभी कैसा है पता नहीं। अभी बस खाने के लिए रुक गए, जल्दी से खा के भागते हैं। बस नींद नहीं आई, सोया नहीं हूँ, नींद नहीं आई। मिलता हूँ जल्दी से, कुछ खाने के लिए मंगा लेता हूँ। तुम मिलता हूँ, मोहम्मद तो खा चुके हैं। नहीं समझ में आता इन लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगाया हाईवे पे, एकदम अंधेरा रहता, कुछ भी क्रॉस करता दिखता नहीं। अजीब ही हाईवे है ये। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं औरंगाबाद। नींद तो नहीं आ रही है, मैंने एक रेडबुल भी पी ली थी, खाना खाने से तो नींद आ जाती। ब्लैक कॉफी भी है। मैं सोच रहा हूँ नागपुर 6-7 बजे तक भी पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पूना से नागपुर 786 समथिंग ऐसे ही है। और अभी मोहम्मद सो गया है, मैं बताऊंगा गाड़ी का क्या हालत है। अभी ये देख के तो आपको क्या समझ में आ रहा है ये गाड़ी का हालत हो चुकी है। और क्यों इमरजेंसी में निकलना पड़ा ये भी मैं बताऊंगा। ये हमारी काम वाली बाई झाड़ू पोछे वाली, उसकी वजह से। बाकी क्या रहता है, कब पहुंचेंगे वो अपडेट होगा बिल्कुल। और अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी चला लूँ, रात के बज रहे हैं 1। रश्म जाग रही है, उसको गाने बजा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद उठ जाएगा। चलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ अहमद औरंगाबाद क्रॉस कर लेता हूँ जल्दी से। जलना अमरावती नागपुर, फिर उसके बाद जबलपुर। वो नागपुर टू जबलपुर वो रोड अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अभी एक मुंबई नागपुर हाईवे स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट हो जाता तो मज़ा आ जाता, जल्दी पहुँचता मैं। क्योंकि नागपुर से जबलपुर अच्छा है, एटलीस्ट नागपुर तक तो एक्सप्रेस वे होना चाहिए। ये 4 लेन है, अच्छा है ये भी है। चलिए मिलता हूँ आपको, पहले भगा लेता हूँ जल्दी से। भगा लेते हैं का मतलब ये नहीं है तेज, सेफ। मिलता हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 5:30। अब गेस नहीं करोगे, मुझे अमरावती जाना है। कितने ब्रेकर पड़े होंगे रशि? 250। जब मैं आया था हमीद के साथ परेशान, अभी अमरावती नहीं पहुंचा। अमरावती से 4 लेन है, एकदम सन्नाटा है। परेशान हो गया हूँ ब्रेकर के लिए, ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर, मतलब लगातार 10-10। अभी एक मुंबई नागपुर हाईवे स्टार्ट होने वाला था एक्सप्रेस वे, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो स्टार्ट हुएगा ना, उससे ट्रैवल करने वाला। परेशान हो गया हूँ, इतना नहीं परेशान था कि इतने छोटा रास्ता था, 2 लेन था, लेकिन ये जो ब्रेकर है ना, इन्होंने परेशान कर दिया, नींद आने लगी इनके चक्कर। अभी बस करंजा है, करंजा के बाद फिर लेफ्ट, फिर अमरावती लेफ्ट लेना है ना। चलिए मैं जल्दी से अमरावती चल रहा हूँ, कुछ फ्रेश वेश हो लूँगा, कब से सोया भी नहीं। चलते हाथ में।
अभी बस रुका हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकला, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, पुणे से तो ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, पता नहीं उधर मौसम कैसा रहेगा। फाइनली पहुँचे। सनराइज भी हो रही है, अब नींद नहीं आ रही है, बस ये है कि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। बहुत अल्लाह का शुक्र है ये रोड मिल गया, नहीं तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा पैच गंदा मिला। इन 1 किलोमीटर कीप राइट ऑन टू NH 53। ओके, ये मैप भी जो है बहुत बोलता, मैप वाली औरत, गूगल तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, गूगल ने बहुत परेशान किया, मैं गूगल नहीं लगाता हूँ। ये एप्पल का मैप रहता है वो अच्छा था, वेज था यूज किया वो अच्छा था, लेकिन अभी एप्पल वाले मैप से जानता हूँ, अच्छा दिखाता। वैसे ये गूगल वालों को टेस्टिंग करनी चाहिए। कीप राइट ऑन टू NH 53। रास्ता घुसा था, सीधे जाना है, वो अपना लेफ्ट घुसा देगा, कभी राइट घुसा देगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। पच्चीस छब्बीस घंटे में, बहुत ज्यादा ही हो, मेरे को नींद, बाप रे, कपड़े भिगा भिगा के पहुंचा, टी शर्ट उतारता था भिगाता था, एसी ऑन करके सारे विंग्स अपनी तरफ करके और पहुंचता, और ठंडा पानी की बोतल लिया और नहा लिया खड़े खड़े वहीं बाहर, और फिर गाड़ी में बैठ के पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद नमाज पढ़ने गया, हाँ फ्राइडे था, नमाज पढ़ने दुआ मांगते मांगते सो गया मैं, चल भाग के आ गया, सो गया। पहले की कैपेसिटी अलग थी, अभी बहुत अलग हो गया यार, अभी मोहम्मद का भी है, नहीं अभी मैं चला सकता हूँ, अभी मैं लखनऊ भी चला सकता हूँ, यहाँ से तुम लोग को जबलपुर छोड़ के मैं लखनऊ भी चला सकता हूँ, अब मेरी रात में आके रुक गई ना मैं, तो फिर यहाँ पर मिस्टर बीन की तरह एक टेप लगाऊंगा या क्लिप लगाऊंगा और गाड़ी चलाऊंगा। वैसे आबान ने बहुत इंसिस्ट किया है मोहम्मद को बुलाने को, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मुझे वापस जाना है पुणे, रश रुकेगी, नींद नहीं आ रही, ऐसे ही ऑन कर, तो मैं तो चला जाऊंगा, बाकी देखते हैं, कार भी इधर ही छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद के लिए जरूरी है, यहाँ पर जाएंगे कैसे, रशिम भी अच्छे से सीख लेगी, थोड़ा सा यहाँ पर जबलपुर में वैसा ट्रैफिक नहीं है तो इजी हो जाएगा, और रशिम को भी टाइम मिल जाएगा संभाल संभाल के, थोड़ा सा ऐसा थक गई है, और मुझे तो नहीं दिक्कत थी, वो ज्यादातर उसी के पास जाता है। इन 1 किलोमीटर कीप राइट ऑन टू NH 53। चलिए अभी भगा लेता हूँ, नागपुर पहुंच जाता हूँ, और जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेता हूँ। तो लाख मुद्दतों के बाद अमरावती से मैं एक्चुअली एक रूट जाता है वर्धा होते हुए, कहाँ से, औरंगाबाद से, नहीं 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 ये क्या पड़ा था, कंजरिया क्या, हाँ कुछ था अभी, वहां से एक राइट जा रहा था वर्धा होके, जिधर से मैं आ जा चुका, एक लेफ्ट जा रहा था अमरावती होके, तो अभी आमिर भाई वापस इधर से गए थे जबलपुर, तो मैंने उनसे एक बार कंफर्म किया, क्योंकि एक आदमी ने भी बताया, तो ये NH 44 है, तो उन्होंने बोला आप इधर से जाइए आपको 4 लेन मिलेगा, 4 लेन दिखाता, एक नंबर 4 लेन, वेयर इज बेबी,
276 किलोमीटर है लेफ्ट है अभी बस जल्दी जल्दी। रोड बहुत अच्छी है, ये नागपुर से है अभी बस जल्दी पहुंच के नहा के सो जाऊं। क्यों कुछ खाना वाना? खाना तो खाएंगे, नहा के खाना खा के सो जाएंगे, बस जल्दी पहुंच जाए। अब नींद तो नहीं आ रही, जाने के बाद आप नहीं सोते फिर आपको नींद नहीं आती? नहीं आती है नहाने के बाद, फिर नींद नहीं आती। लेकिन ट्राई करेंगे, कॉफी तो पीने चलेंगे। लेक अगर दिख रही होगी तो नहीं तो ये रोड तो अच्छा है, मैं आ चुका हूँ इससे पहले भी। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया, कल 9 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं रुके भी नहीं अभी, बस जल्दी से। अगर किसी को आना है पूना से एमपी जबलपुर तो आप सबसे बेस्ट रूट मैं बता रहा हूँ, जहाँ से आपको आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी आप भी सेफ रहोगे। थोड़ा सा बीच में है पैच है ऐसा, मतलब गंदा नहीं है, सिंगल लेन है लेकिन अच्छा। आप ये कर सकते हो कि पूना से औरंगाबाद अहमदनगर वहाँ को विद्यमान नगर होते हुए सीधा, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो अपना अमरावती के लिए, है ना, वर्धा नहीं अमरावती के लिए, वर्धा वाला रास्ता नहीं। आप एक रास्ता अमरावती अहमदनगर के लिए लेफ्ट भी दिखाएगा औरंगाबाद के बाद, मत लीजिए स्ट्रेट जाइए, फिर अहमदनगर क्रॉस करके आपको 280-300 के आसपास सिंगल लेन मिलेगा, वहाँ से आप पूरा रोड अच्छा है बुरा नहीं है। आते 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 फिर आपको एक पॉइंट आएगा जिधर राइट है वर्धा और लेफ्ट है अमरावती, तो अमरावती वाले से आओ आप, 4 लेन रोड मिलेगा अच्छा मिलेगा। और उसके बाद नागपुर आने के बाद आपने जबलपुर नागपुर आए सीधा जिधर मैं जा रहा हूँ। चलिए फिर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बाय बाय। ये पेंच रिजर्व पार्क है, टाइगर रिजर्व पार्क, ये ऐसे दो निकल चुके हैं, नीचे जंगल है ऊपर फ्लाईओवर है। एक नंबर पूरा जंगल है ये, जो पहले के जो निकले हैं ना जो फ्लाईओवर थे वो भी ऐसे ही ऊपर फ्लाईओवर है, नीचे पूरा जंगल है। फाइनली पहुंच गए, ये फैक्ट्री है जीसी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री, मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैं दिखाऊंगा, अभी बहुत थक गया हूँ, बस अभी मन कर रहा है जाके मुँह हाथ धो के, नहाने का भी मन नहीं है अभी, बस सो जाऊँ। बहुत तो वैसे तो बिना नहाए नींद भी नहीं आती, लेकिन बहुत हालत डाउन हो रही, कल रात 9 बजे से चलाते हालत डाउन हो गई। पहले इम्यूनिटी पावर अलग था, अभी थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन तब भी 70 कितना 988 मतलब 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप सिर्फ खाने के लिए रात में 10:30 बजे वाघोली के आगे रुके थे, उसके बाद से तो रुके ही नहीं। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे, अभी मैं बस जाके जल्दी से मोहम्मद का चेयर निकाल के उसका स्ट्रॉबेरी निकाल के मैं सो जाऊँ, मिलते हैं तब तक के लिए। आप लोग भी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं और बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। मिशन बहुत डाउन हो चुका हूँ, बोलते नहीं हो रहा, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग आप ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपको, और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छी, मैं आप शूट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, बाय बाय।